हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज शाम का टाइम हो गया है और 4 बज गए। मैं अभी अभी नहाई हूँ, मैंने ऑयलिंग की भी अपने सिर में, तभी मेरे बाल ऐसे चिपके चिपके हो रहे हैं। सो मैं अभी नहाई हूँ, हम कहीं गए थे तो इतनी लेट मैं नहाई 4 बजे शाम के। और मैं जा रही हूँ छत पर क्योंकि मम्मी भी छत पर है। आके मैंने इतने सारे देखो कपड़े धोए, वो देखो वहाँ से लेके वहाँ तक, और ये सारे के सारे कपड़े मैंने आज ही धोए अभी ही, क्योंकि जहाँ हम गए थे वहाँ से आते आते हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो जेंट्स के बहुत सारे कपड़े गंदे थे, पजामिया वगैरह सारी मैंने धोई, उसकी जर्सियाँ भी, और मैं नहाई। बस अब मैं आई छत पे, जेंट्स सो गया है और मैं यहाँ आई हूँ लौकी तोड़ने, क्योंकि एक जो लौकी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। अगर हमने उसे आज या कल और छोड़ दिया तो उसमें ना बीज हो जाएंगे जो कि खाने में नहीं अच्छे लगते, फिर वो अंदर से ना बीज वाली हो जाती है। तो जो लौकी होती है ना गद्देदार, जिसमें अंदर बीज नहीं होते, तो वो काफ़ी टेस्टी बनती है। वैसे तो ये घर की है, देखो आप, ये देखो कितनी सारी बेल है, यहाँ तक आ गई है। तो वैसे तो ये टेस्टी बनती है। मैंने एक रील भी शेयर की थी, उसमें भी मैंने आपको दिखाया था, वो काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए मुझे इस पर। और इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि जो लौकी मैं तोड़ने आई हूँ मैं और मम्मी, वो कितनी बड़ी हो गई है। चलो देखते हैं। मैं ले आई हूँ चाकू नीचे से, तो आ जाओ मैं दिखाती हूँ आपको कौन से वाली लौकी है हमें तोड़नी। और हमारे घर में लौकी की बरसात हो रही है, आप देखो। एक मैंने वहाँ से तोड़ी थी जो रील शेयर की थी, एक वहाँ पे लगी है, और एक है ये जो कि मम्मी कह रही है कि अब तोड़ने लायक हो गई है। ये होगी ना मम्मी? हाँ, कितने की होगी? मैं भी आ रही हूँ ना वीडियो में। 1.5 किलो हो। मैं भी आ रही हूँ ना। कितने की होगी ये? 1.5 किलो की। 1.5 किलो की होगी। और देखो नीचे से ना यहाँ पे कैसी होगी, नीचे रख के ना देखो कितनी अच्छी फ्रेश लौकी है। काटू यहाँ से? लौकी और भी है ना। हाँ। एक आगे भी तो थी यहाँ पे। हाँ। नहीं यहाँ पे है, नहीं यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं लग रही है। अच्छा एक वो रही, दिखी नहीं रही। चलो मैं तो पत्ते में तो ये है लौकी, और ये हम देने जा रहे हैं, कहाँ से देंगे हम? पड़ोसी ये हम पड़ोसी को देंगे, क्योंकि हमने कल ही लौकी बनाई है। और जो रील मेरी बनाई थी वो बनाई थी प्रिया ने, और हम लेने जाएंगे उनके घर जाएगी। तो जितनी भी लगनी है इसमें हम तो नहीं खा पाएंगे, क्योंकि देखो फूल कितना सारा, मम्मी दिखाना फूल, देखो कितना सारा आया हुआ है। तो इतनी तो हम नहीं खा पाएंगे, तो हम अपने पड़ोसियों को एक एक करके सबको दे देंगे ताकि सब खा पाएँ इस लौकी को। तो चलो हम चलते हैं नीचे। सो फ्रेंड्स, अभी अभी हमने वो तो रख ली लौकी, और एक और हमें दिखाई दी है, वो उस साइड है, मैं दिखाती हूँ आपको। कहाँ दिखाना मम्मी? आ जाओ, मुझे अंदर जाना पड़ेगा इसमें, और यहाँ पर पैर रख के ये मुझे ऊपर खींचनी पड़ेगी। ये देखें, ये है एक और लौकी जो कि ये लग रही है। देखिए ये कितनी बड़ी है मम्मी, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है। नहीं ठीक है, तोड़ लो। ठीक है तोड़ लूँ? फिर ये ना पक जा, तोड़ लूँ? ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन। तोड़ लो पक्का? या कल मैं काट लियो, कल को पक्का, कल को काट लियो या कल को। चलो छोड़ो, इसे 2-3 दिन के और हो जाने देते हैं, क्योंकि ये छोटी है ना। चलो छोड़ो, चलो क्यों ज़्यादा छोटी है मम्मी। तो वो वाली लौकी बहुत छोटी है। छोटी क्या, जितनी मैंने कल तोड़ी थी वो भी मैंने कल भी बच्ची वाली तोड़ ली थी। इतनी तो कम से कम होनी चाहिए ना, 1 किलो की, 1 या 1.5 किलो। तो चलो हम इसे देने चलते हैं प्रिया को। ये और दिखाऊंगी, इधर भी, इधर भी दिखाओगे? ये लग रही है, ये तो मैं लास्ट व्लॉग में दिखाई थी इन सबको। देखो एक एक ये रही, एक तोड़ने लायक हो रही है, ये तोड़ने लायक नहीं हो रही मम्मी अभी ये। अरे ऐसी सही रहे ये, फिर और एक ये रही पक जाए। देखो फ्रेंड्स, एक और लौकी मैं आपको दिखाती हूँ, एक ये रही लौकी। चलो तो फ्रेंड्स, मैं अभी देख के आ गई हूँ लौकी प्रिया को, और थैंक यू बोल रही थी, वो कह रही थी आज हम इसे ही बनाएंगे। मैंने कहा बनाना, मैंने तो कल बनाई थी, बहुत टेस्टी बनती है सच में। और अब हम मम्मी और विश्व जा रहे हैं प्रीत विहार, जहाँ लास्ट व्लॉग मैंने आपको दिखाया था
पानी वगैरह देने, क्योंकि टाइम टाइम से देखते रहना पड़ता है। सो मम्मी और विष्णु आ जा रहे हैं, मैं जी आंस के पास लेटूंगी अब, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। आज मैं आराम करूँगी, ये लोग जाएंगे वहाँ पर। तो चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। सो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। हम आए थे अपने गांव में, भाबरी मेरा गांव है, वहाँ पर हमारा एक खेत है जो आप देख रहे हो सामने। हम आए थे यहाँ पर, इसमें गेहूँ लगाए हुए हैं, तो हम देखने आए थे कि गेहूँ अच्छे से हो भी रहे हैं या नहीं। मम्मी क्या कर रहे हो? मैं पत्ते हटा रही हूँ, पत्तों की वजह से ना देखो कितना कम गेहूँ जम रहे हैं यहाँ। इधर कितना बढ़िया जम रहा और इधर यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ गेहूँ बहुत कम जम रहे। ये देखो यहाँ पर कितने कितने सारे पत्ते हैं जिसकी वजह से गेहूँ नहीं जम पाया। आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्क, और यहाँ पर देखो कितना फर्क है आगे की तरफ। ये देखो विषु पत्ते निकाल रहा है, जल्दी से निकाल, बढ़िया बढ़िया करके ना साफ साफ सफाई कर दे बढ़िया से। ये देखो कितने सारे पत्ते पड़े हैं यहाँ पे, और इसकी वजह से बहुत ही कम गेहूँ जमे हैं यहाँ। सारे पत्ते की वजह से गेहूँ नहीं जम पाए, और उधर देखो कितने अच्छे जम रहे हैं सामने। अब इसमें खाद डलेगी और पानी दिया जाएगा। और वो दिखा दो सल्फर। हाँ पर ये देखो अभी हम खरीद कर लाए हैं, ये है खाद यूरिया और ये है सल्फर। अब इसमें आएंगे, किसी से हमने बोल दिया है, वो इसमें पूरे खेत में सल्फर और यूरिया डाल देंगे, उसके बाद इसमें पानी दिया जाएगा, तो फिर ये और बढ़िया से गेहूँ हो जाएंगे, अच्छे से ग्रोथ करेंगे गेहूँ। जैसे यूरिया और सल्फर मिला तो कट जाइए तो इतनी है। ये देखो ये मिला रहे हैं, अब क्या मिला रहे हो? ये सल्फर है जी इसमें। अच्छा ये सल्फर यूरिया में मिला रहे हो? सल्फर यूरिया। अच्छा इसे मिला कर डाल दोगे खेत में? अच्छा इससे खाद लगेगी खेत में गेहूं में? ये इसका जो जाड़ा होता है उसे मोटा कर देगा। अच्छा अच्छा इससे मतलब ये गेहूं अच्छे से ग्रोथ करेंगे बढ़िया। अच्छा मैड़ा करेंगे खूब बढ़िया गेहूँ। ये देखो इसमें भर रहे हैं, और इसमें भर कर फिर ये इसको पूरे खेत में डाल देंगे, वहाँ तक पूरे खेत में। ये देखो वहाँ तक सारे में एक कट्टा यूरिया है जी। हैं हाँ ठीक जम रहे। ये देखो अभी भैया जा रहे हैं, अब ये शुरुआत करेंगे। देखो वो बो रहे हैं गेहूँ, खाद बो रहे हैं गेहूँ नहीं खाद, ये खाद बो रहे हैं देखो। और ये देखो हमने सारी सफाई कर दी है पत्तों की, जहाँ तक भी हमसे हुई है। और ये भैया ये देखो ऐसे बो रहे हैं खाद खेत में, देखो अब ये सारे खेत में बो देंगे, वो जा रहे हैं वहाँ तक।